अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री दिखाऊंगा जो कि ब्रिटिश दौर से चल रही है, और यहाँ पे जो उनसे लोग काम करते हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग जो उनसी है वो बहुत थोड़ी होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये इसको कहते हैं भट्टा। ये ज़्यादातर गाँव में मौजूद होता है और गाँव के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो आप लोगों को इसके रॉ मटेरियल से लेके इसका जो सा एंड प्रोडक्ट है वो दिखाते हैं, और थोड़ी सी लोगों से गपशप लगाते हैं कि वो इधर कैसे काम कर रहे हैं और क्या इधर का मैनेजमेंट स्टाइल है, कि उनको उनकी रोजी जो थी वो अच्छी मिल रही है या नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सो भट्टे में ईंटे बनाने के लिए सबसे पहला रॉ मटेरियल जो सा चाहिए वो मिट्टी होती है। जमीनों के अंदर से मिट्टी वगैरह आती है और ये फिर इधर लेके आते हैं और उसको पानी बना के मिक्स कर देने, पानी में मिक्स करते हैं, गारा बनाते हैं, और उसके बाद इसको आगे सांचे में डालते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गारा, इधर तीन आदमी लगते हैं और तीन आदमी तकरीबन 2 से 3 घंटे लगाते हैं, और उसके बाद इसकी जो सी आपकी मिट्टी होती है वो काफी नरम हो जाती है। मिट्टी जरिए सही नरम होनी चाहिए ना, बिल्कुल सही नरम होनी चाहिए, उसमें कोई गुटलियां वगैरह या कोई इसकी चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए ताकि अगला जो सा प्रोसेस है उसके लिहाज से वो स्टार्ट कर सके। तो वो जो सी मिट्टी थी वो तैयार हो रही है, उस तरह की मिट्टी इस तरह की जब तैयार हो जाएगी इस शक्ल में, तो इसमें से ये भाई साहब जिस तरह आगे बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं, उसके जिस तरह आटा गूंथते हैं उसका एक पेड़ा बनाते हैं। तो ये पेड़ा है तकरीबन 3 किलो का पेड़ा है ना, एक तकरीबन 3 किलो का कह रहे हैं पेड़ा है, और ये पेड़ा उसके अगले स्टेप में वो भाई साहब सांचे बना रहे हैं, उधर जाते हैं और ईंटे जो वो कतार में लगती हैं। एक एक टाइम च किनिया ईटा बना लेंगे एक गारे चू? 2000-2500 ईंटे बन जाती हैं एक इस किस्म के गारे से। तो दिन च किनिया ईटा बना लेंगे हो तुसी? इन्नी बनती है 2000-2500 ते अपने काम तू खुश हो तुसी? चलो चंगी गल है। जे बारिश वगैरह हो जाए ते इट्टां लगी हुई हैं की होंदा फिर? मतलब तुसी अपना काम कर लिया उस तू बाद तुहाडे पैसे बन गए ने, जे बारिश होगी खराब होगी मालकां दा काम। सही सही, ते तुहानू पैसे वगैरह टाइम दे नाल मिल जांदे ने। चलो सही है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो सी ईंटे हैं ये इन्होंने बनाने के बाद रख लिए हैं, तकरीबन एक दिन हो गया इन ईंटों को पड़े हुए, और ये जो सी है ये पक गई हैं धूप में रह रह के। तो अब इसको ये उठाएंगे, लोड करेंगे और भट्टे के अंदर लेके जाएंगे जहाँ पे ये मजीद आग के थ्रू कोलों के थ्रू पकेगी। तो अब देखें ईंटे जो सी है वो इधर से इस ये वाले प्रोसेस में तैयार हो गई है, अब ये भट्टे के अंदर जाएंगी और ज्यादा मजीद पकने के लिए। ये देखें इधर से ये लोडिंग कर रहे हैं, इनकी अपनी एक ट्रांसपोर्ट का मोड है, ट्रांसपोर्ट का जरिया है, इसके थ्रू इधर ट्रॉली भी आती है, रक्षा भी आता है, चिंची वगैरह भी आती है। तो ये इधर इस पे ईंटे डाल रहे हैं, और ईंटे डाल के वो जो आगे भट्टा है जहाँ पे अभी हम नेक्स्ट जाएंगे उधर जाके ये लोग इसको लगाएंगे, और उधर कोले के थ्रू ये काम होगा। तो ये इस एरिया का प्रोसेस है, यहाँ पे सारी फैमिलीज जो सी है वो मिलके काम करती है ताकि इन लोगों का जो सा गुजर बसर है अच्छा हो सके, और जितनी ज्यादा ये ईंटे लगाएंगे उतने ज्यादा उनको ये पैसे मिलेंगे। तो भट्टे में आप कपड़े थोड़े से जो से इस तरह के पहन के आएंगे, खराब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा, मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गिर्द बहुत ज्यादा होती है, मिट्टी वगैरह होती है। तो जी इधर से हम ऊपर चढ़ रहे हैं भट्टे के, तो देखें इधर लोग वगैरह काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है, ठीक हो? तो गाइस इनिशियल स्टेज से सेकंड स्टेज पे इधर आ गए हैं। ये देखें वो जो सी ईंटे गदा गाड़ी में लाद के ला रहे थे और रक्षे में ला रहे थे, वो इधर आके अनलोडिंग उसकी हो रही है, और इधर से ही इसको सेक लगाएंगे ताकि ईंटे जो सी है वो पक सके। हमारे साथ कुछ दोस्त इधर हैं जो मजदूरी इधर कर रहे हैं, ये भाई साहब भी इधर हैं, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इन्हां नाल थोड़ी सी गलबात करने हैं कि की हालात चल रहे ने। भाजी बड़े माड़े हालात में, ईमानदारी ना बड़े माड़े हालात में। तुसी की करदे हो पहले अपने बारे च दसो, तुसी इत्थे की करदे हो? असीं भाजी थले कोला जे, अच्छा, ओ कोला लिया के उन्हां टप्पां दे विच डालने, अच्छा, ओ तो फिर अगे विच पाई दे इट पकदी है, अच्छा, ठीक है। वैसे गल है वे भाजी, ना तो कोई खान नू चीज है, ना पीन नू चीज है, इतनी महंगाई हो गई है, वह तुहाडी सोच हो सकती है, तुहानू भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कैसी हुकूमत है, एक इधरों निकल आंदा दूजा इधरों निकल आंदा, अमल तो किसी गल ते है को ना भाजी। लोगों के बारे च नहीं सोच रहे ना, अपने बारे च सोच, अपने बारे की सोच के भाजी 650 की गुत्थी आटे की ले दी है, हूँ 1400 रुपये की हो गई है, ते शाम नू बच्चियां नू खान नू नहीं लभदा, मजदूरी लभदी कोई नहीं। बहुत अफसोस दी गल, इतना हालात खराब हो गया, इतना हालात खराब हो गया, फिर भी ये खान साहब रां दी मेहरबानी है
जे लगे हां फिर भी अपनी सोच तो वध सानू पैसे दिंदा है। बच्चे जेड़े ने ओ शाम नू रोंदे ने दूध लभदा नहीं पाजी, 180 रुपए किलो हो गया, दसो की करिए। पाकिस्तान दे मसले चल रहे ने, बहुत शुरू तो चल रहे ने, लेकिन हुण जेड़ा दौर आ गया ओते ज्यादा ही खराब हो गया है पाजी, ज्यादा तो ज्यादा खराब है। डॉक्टर को टुर जाइए, एक टीका लगवा गया 600 रुपया ले लेंदा, 600 ले आवगे कितू। तुम्हारी तैयारी की लगती है इत्थे की, मतलब मजदूर दी की तैयारी होंदी है, दिन दी किन्ने बन जांदे ने तुम्हारे? साडे मतलब हुण मैं इत्थे आ मेरी तकरीबन तो तकरीबन बन जांदी है मतलब 35 to 40,000 रुपया एक बंदे दी तनख्वाह महीने दी, महीने दी। अच्छा। लेकिन मेरी बन सकदी है, दूसरे सारेयां दी तां नहीं बन सकदी। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होंदा, हर एक दी डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ होंदी है। बाकी इन्हां नूं पता इन्हां दी किन्ने बनदी है, लेकिन एक मेरी बन जाए दूसरे दी ना बनन दा की फायदा? बिल्कुल, नाल महंगाई इन्नी है ते 35-40 हज़ार भी बन जाण ते तुसीं अपना घर ते नहीं चला सकदे। देख लो ओ भी लड़ भिड़ के मिट्टी नाल लड़ के ते तां जाके इन्नी दिहाड़ी बनदी, रात दिन करके चौबी घंटे काम कर दो राती 12 बजे भी आ सकते। रिहायश वगैरा तुहानू इत्थे लब्भी होई है? तुसी कित्थों हो? पाकिस्तान तो गुजरात तो ना पाजी, मैं जलालपुर बठियां तो, जलालपुर बठियां नाले गांव छोटा जिहा नारोवाल। अच्छा। मैं अपने इथे ए खान साहब जिन्हें साडी हमदर्दी करदे ने, सही असि इन्हां कोल काम करदे पए, वावा मतलब 10 साल तो करदे पए, साडा ना अच्छा तावन ज्यादा करदे पए ने, सही मतलब उन्हां कोल ना भी पैसा वे को मंगाई है, ना भी विके सानू देंदे ने अपना नुकसान करके, समझ आ? कर्जा भी चुको ने सानू देंदे ने खान पे नु ठीक दिंदे। मालक दे नाल तुसी बहुत खुश हो? मालक गवर्नमेंट दे नाल, मालक नाल असि बिल्कुल 100% खुश हां, लेकिन मंगाई तो आके असि बहुत ही तंग हां। ईमानदारी दी गल है, दिल करदा जहर ले लईए पाजी। नहीं नहीं इंज ना करो, रब कोलो फरियाद करो, अल्लाह अल्लाह पाक के करदे पए हां। अल्लाह ताला तू 1,000 रुपया लै के जब गए उतो क्या जगे ते हुण सिगरेट जेड़े ने मेरा मतलब 250 दी डब्बी हो गई। सिगरेट ना ना पिया करो, सिगरेट जेड़े ने वो सेहत वास्ते भी चंगा नहीं है, मर के करके जैसे टेंशन बनदी आ। वेखो जाज ओवे कोई उंदा हालात है करीब, ऐस बंदे दा कोई हालात है, ऐ काम करन वाला पाजी, जे मंगियाई ना आवे ते भी घर ही पै जाए। बिल्कुल ईमानदारी दी गल है, घर बैठो पक्कियां इटां लोड करदा जे इंदे अंदर ओ रोज दा किलो केरी दा जांदा जे, सही इंदे फेफड़े गुर्दे खत्म हो गए, फिर भी लगे। बस आई है कि अल्लाह ताला को रहीम यार खान तू आया जी, रहीम यार खान, रहीम यार खान तू पाजी आ जे, दमे दा मरीज जे, सिर्फ इत रिस्क लैके आया, अपना लैके आया। चलो असि भी दुआ कर सकने हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान दे हालात चंगे करे ते तुहाडी मेहनत मजदूरी दे तुहानू चंगे पैसे भी लभन ते महंगाई भी घट होवे, होर ते बंदा नहीं कुछ कह सकदा, बस आई दुआ कर सकदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं, ये जो खाली जगह है ये सारी ईंटों से भरी जाएगी, सारी ईंटें इधर भरी जाएंगी और उसके बाद जिस तरह लेंटर डालते हैं उस तरह ये जो ईंट की ईंट का बूरा है ना, ये ईंट का बूरा जो है वो ऊपर लगाएंगे ताकि इसका सांस बंद हो जाए और कोले अंदर डालें। आपको दिखाते हैं ये कोले कैसे अंदर डालते हैं, वो भी बहुत मेहनत और मशक्कत वाला काम है, गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होती है। और ये बेचारे जिस तरह डालते हैं जूतियां पहन के, ये देखें ये स्पेशल जूती पहनते हैं, ये एदी जूती दे नाल कोई गुजारा हो जाता है, हीट बच जाती है, गर्म नहीं होती, गट होती है लकड़ दी, सही ते उत्ते ते तो कवर नहीं है ना, नहीं उत्ते कोई नहीं। अच्छा, तो ये देखें ये इन्होंने जूती पहन ली है, ये स्पेशली जूती तब पहननी है जब इन्होंने कोले अंदर डालने हैं। तो ये कोले हैं, कोले दिखा दे, कोले जरे ने गर्म नहीं, नहीं ऐ ते कोला है ना, एदा बालन, ये देखें ये कोले इस तरह अंदर डालते हैं, सही। कितनी देर मिट्टी, कितने देर में पक जाती है? आधा घंटा लाई रखना है, पक जाती है 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद
ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਖ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਡਲਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇੰਟ ਕੇ ਬੋਰੇ ਕਾ ਇਸਮੇ ਸੁਰਾਖ ਕੈਸੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਪੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਇੰਟੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵੋ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾਏ ਤੋ ਕੋਲੇ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਇਹ ਇਧਰ ਲਾਏ ਕੈਮਰਾ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਵੇ ਦਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਵੋ ਇੱਕ ਕਵਰਸ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਥਰੂ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਂਗੇ ਵੋ ਲਗਾ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਇਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਡਮਾਸਟਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਕੋਲਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖੀ ਚੋਂ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਜੰਮਨ ਚੋਂ ਔਰ ਇਸ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਤ ਜੋਨ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਟਾਨੂ ਮੇ ਸੇ ਪਹਾੜੋ ਮੇ ਸੇ ਪਹਾੜੋ ਸੇ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਪਹਾੜੋ ਸੇ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਕ ਆਤੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਇਧਰ ਆਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਨਕੇ ਹੱਥ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲੇ ਡਾਲ ਡਾਲ ਕੇ ਔਰ ਗਰਮ ਸੇਕ ਮੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਲ ਚੁਕੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗਰਮੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਇਹ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ 35 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਜੀ ਆਈ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਟਿਕਣ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖਲੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਇੰਨੇ ਕੋ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਹੋਣਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਪੈਰਾਂ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਵਸਤੇ ਵੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਫ ਉਹ ਧੂਆਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਇਹ ਕਬ ਕਬ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਇਧਰ ਲਾਓ ਲਾਓ ਦੀ ਇਧਰ ਸੇ ਧੂਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੋ ਧੂਆਂ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਤੋ ਧੂਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਧੂਆਂ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਸੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਧਰ ਸੇ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿਮਨੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਚਿਮਨੀ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਕਬ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੰਦ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਿਮਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਥਰੂ ਧੂਆਂ ਜੋਨ ਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਬਲੋਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਜੋਨ ਸੀ ਇੰਟੇ ਪੱਕ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸੇ ਉਹ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਸਾ ਡਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਤੇ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਡਾਲਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਬ ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਾ ਸਾ ਬਣਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰਾਖ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਬ ਲੈਂਟਰ ਡਾਲ ਕੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਸੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲਾ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਦੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਇੰਟ ਪੱਕ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਜੋ ਸੀ ਇੰਟ ਪੱਕ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਹੋ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਆਪ ਵੋ ਜੋ ਬਲੌਕਸ ਬਣਤੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਇੰਟ ਕਾ ਕੋਈ ਇੰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹ ਬਲੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਵੋ ਜੋ ਬੜੇ ਬਲਾਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਇਤਨੀ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਵਲ ਇੰਟ ਔਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੇ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋ ਮੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਵਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਮੇ ਲਾਲ ਹੈ ਔਰ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਵਲ ਤੇ ਦੋ ਦਾ 10000 ਨੂੰ ਇਹ 12000 ਨੂੰ
ਅੱਛਾ ਇਹ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 12 ਯਾਨੀ 2000 ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰੀ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਸੇਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਬ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਤੋਂ ਇਧਰ ਜੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅਬ ਸਮਾਨ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਧਰ ਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ तो देखें ये सारा एरिया वहां से स्टार्ट होती है ईंटें बनना इधर आके एंड होती है और इधर से ही आगे लोगों की तरफ ये बेच देते हैं तो ये जो उनका भट्टे का पूरा एक प्रोसेस है कि इधर ईंट कैसे बनती है थोड़ी की मजदूरी है जो तुसी हजार रेट हजार रेट ना जी हजार रेट हां जी ਇਹਦੇ ਲੱਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ 230 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇੱਟ ਕਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 18000 17000 ਤੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ 1000 ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਾਈਏ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦਰੇ ਕਿ ਟੂਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 3000 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸੱਟੀ ਬੰਦੇ ਸੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ 3000 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆ 2000 ਦਾ ਕੱਟੂ ਹਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਭੱਟੇ ਕਾ ਵਲੌਗ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੇ ਤੰਗ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ वो उन पैसों से कोई चीजें खरीद नहीं सकते तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस सारा अच्छा लगा होगा और आपको पाकिस्तान के जो लोग जो वर्कर हैं आपको उसकी चीज के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी तो आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़।